कमरबंद, कंगन, इयररिंग, ये सब तो कैसा लग रहा है ये? मैंने पहना है। ये सब तुझे दादी ने दिया? हाँ, उनके सिवा और कौन देगा? माँ की पोती जो है प्यार तो करती है, देने के अलावा उपाय क्या है? भैया, आपने बताया नहीं कैसी लग रही है रांझना। बहुत अच्छी लग रही है। भैया एक बात कहूँ, माँ के जो भी गहने हैं, मतलब अलमारी में जो भी साड़ी और गहने हैं, बल्कि लॉकर में भी, अब वो सबको बराबर बांट दीजिए। नहीं, सबका ही तो बराबर का हक है ना, वरना पता चले जिसका हक नहीं वो मालिक बन जाए। मैं तो अच्छा, भैया आप दोनों झगड़ क्यों रहे थे? उस रिद्धिमन चैटर्जी नाम के आदमी को लेकर? जिन्हें लेकर आपने गाने बजाने की महफिल बिठाई थी? ताऊ जी? ताऊ जी, खाना नहीं खाओगे? नहीं, आज रात मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? 10,000 रुपए किसी के पिता की मृत्यु पर आपने खर्च किए थे। किसी के पिता की मृत्यु पर मुसीबत के समय वो पैसे जितने काम आए थे, आपकी सारी संपत्ति इकट्ठा करके भी उसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती। ना, मैं नहीं खाऊंगा। तुम लोग जाओ यहां से, जाओ। भैया, भैया चोर से नाराज होकर खुद को सजा देने का क्या फायदा बताइए? मतलब उससे चोर को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। किसे चोर बुला रही है दुरागिनी? जमुना को। वैसे जमुना ने रुपए पैसे कुछ भी चोरी नहीं किए, उसने चुराया है आपके बेटे को, है ना? नहीं नहीं, मैं कुछ भी ज्यादा नहीं बोलूंगी। मेरे ज्यादा बोलने से तो बड़ी भाभी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा ही बोलती हूँ। मेरे बात करने से ही तो इस घर के लोगों को झटका लगता है, जल जाते हैं। असल में सच बोलती हूँ ना, इसीलिए शायद सब सह नहीं पाते। चलती हूँ। माँ ने तुझे सच में ये साड़ी और गहने दिए हैं? क्यों, माँ ने फिर क्या झूठ बोला है? क्या पता। आप तो किसी पर विश्वास नहीं करती माँ, ना अपने पति पर, ना अपने बेटे पर, ना अपनी बेटी पर। इस घर में किसी पर भी विश्वास है आपको? ऐसा क्यों बोल रही हो? ए तू चुप कर, हमारे एहसानों पर पल रही है, मुझे ज्ञान मत दे। ऐसे क्यों बात कर रही है उसे? आप तो कुछ मत ही बोलो प्लीज। तुम जानती थी रिद्धिमान आने वाला है? धन्य है आप सभी मर्द, धन्य है। इतने सालों से चुपचाप मुंह बंद करके
मैंने बस घर ही संभाला है। अपना अतीत भुला के आपका हाथ थाम के ये घर संभाला है। कभी भी कहीं भी कोई भूल नहीं करी। मेरी तरफ उंगली उठा के अब कभी भी नहीं बोल सकते कि मैंने भूल चूक की है। सबको, परिवार में सभी को मैंने सिर्फ प्यार दिया है, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिला? बताइए, मुझे क्या मिला? नारित्व का अपमान, असमानता, लालचन। आपके सामने खड़े होकर गीत ने मुझे बेइज्जत किया और मेरे चरित्र पे सवाल उठाया, और आप मेरे पति होकर बस देखते रहे। मैं किसी का पति नहीं हूं, लेकिन किसी का पिता हूं। आप ये क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब वो जो बोल के गई, आप उसे मानते हैं? हाँ? नहीं जानता मानना चाहिए या नहीं, लेकिन लगता है कि तुम शायद आज भी मुझसे प्यार नहीं कर पाई। आप? हाँ। अगर ऊपर वाला है और भगवान सच में है तो ये भ्रम आपका एक दिन टूटेगा ही, और इसके लिए आपको पछताना होगा। पछताना होगा आपको जी। आप खाना यहां रख दीजिए। मालिक, खाना खा लेना। तू खाना लेकर क्यों आई? आप खाए बिना रहोगे ये बात मैं सह नहीं पाऊंगी पापा। हाँ, ये सहन कर पाएंगे क्योंकि इन्हें तो फर्क नहीं पड़ता कि किसने खाया किसने नहीं, मैटर ही नहीं करता। जाने दो। पूजा तो हो गई है, आपने तो एक दिन भी अपनी वो साड़ी नहीं पहनी। जाइए ना, सिंदूर आलता और वो तोहफे में दी गई साड़ी पहन के पापा को दिखाइए ना कि इस घर में सबसे सुंदर गिफ्ट, सबसे प्यारा गिफ्ट आपको दिया है उस रिद्धिमान चैटर्जी ने। अपमान कर रही है, मां का लगातार अपमान कर रही है। गीत, एक दिन तुझे भी इस अपमान का जवाब जरूर मिलेगा, देखना, कोई ना कोई तुझे जवाब देगा। तू भी एक दिन मां बनेगी और उस दिन समझेगी बच्चों की दी हुई तकलीफ से कैसा लगता है। तुम? हाँ, मैं। आपका बेटा कहाँ है? क्या हुआ, चुप क्यों है? जवाब दीजिए मुझे, आपका बेटा है कहाँ? मुझे ऐसे इस घर में लाके मेरे पापा से झूठ बोल के मुझे ऐसे बेइज्जत करने का हक किसने दिया? तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकती आर्या, भूलना मत तुम किससे बात कर रही हो। I'm sorry. I'm very sorry. लेकिन आप भी मत भूलना कि मैं अब भी मेरे सगाई के कपड़ों में हूँ। मैंने सारे के सारे गहने पहने हुए हैं और मेरे सर पे
मेरे सर पे ढूंढो तो अब भी एक दो धांधुरवा मिल जाएगा, क्योंकि आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया है। और जब जब मेरे माँ बाबा मासी मुझे लेकर जा रहे थे, तब तब आप ही के पति केदार राय ने मुझे रोका था और कहा था कि मैं इस घर की एसेट हूँ, यहाँ रखने के लिए संगीत के हाथों मेरी मांग भरवाएंगे वो। लेकिन कौन कौन मांग भरेगा मेरी? कहाँ है संगीत? कहाँ है आपका बेटा? संगीत, संगीत, संगीत कहाँ है? कहाँ होगा? संगीत तो गया है जमुना को ढूंढने। लव स्टोरी आर्या, लव स्टोरी। एक गरीब ढोली की बेटी के साथ एक फेमस व्यापारी परिवार, एक समय का जमींदार, रॉयल ब्लड जिनके शरीर में है, उस लड़के की प्रेम कहानी। उफ उफ, क्या प्रेम कहानी है ये। लैला मजनू की प्रेम कहानी को भी हरा देगी, है ना भाभी? वैसे आपने तो यही चाहा था, है ना? क्यों ये सब बकवास कर रही हो रागिनी, क्यों? हाँ, अरे मैंने क्या गलत बोला? अच्छा, अगर आप ठान लेती तो ऐसे सबके सामने संगीत इस तरह जा पाता? मेरा बेटा होता, होता मेरा बेटा तो मार के उसकी हड्डी तोड़ देती भाभी। क्या बोलना क्या चाहती है तू? मैं बोलना चाहती हूँ कि सोसाइटी को आप क्या कहेंगी, क्या जवाब देंगी आप? हमारे रिलेटिव्स जब कुछ पूछेंगे, कल सब मिलने आएंगे, तब क्या कहेंगी आप उनसे? ओह, आप बोलेंगी मेरा बेटा जमुना को लाने गया है। और फिर आपका बेटा उस दरवाजे पे जमुना को लाकर कहेगा, माँ 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 ये देखो मैं आपके लिए बहू लाया हूँ। जमुना अगर इस घर में आई तो इस घर को मैं युद्ध का मैदान बना दूंगी बड़ी बुआ। और आर्या, तुम केदार राय के बारे में अब एक शब्द नहीं बोलोगी। केदार राय ने जब तुमसे कहा है कि तुम इस घर की बहू बनोगी तो बनोगी। और सुनो, केदार राय अगर अपना वादा पूरा नहीं कर पाए तो गीत तुमसे वादा करती है, गीत तुमसे वादा करती है कि जमुना इस घर में कदम नहीं रख पाएगी। एक्चुअली आप सब लोग मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है, मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी को कोई आइडिया ही नहीं है। ऐसी तो कई हजार जमुनाओं को मैं गंगा में ऐसे ही बहा दूं। ओहो गीत, तू भी ना। अच्छा, ये सब भी बोलने की बात है गीत? नहीं नहीं, मैं तुझसे कहती हूँ, अगर इतना ही श्योर है, इतनी ही कॉन्फिडेंट है कि अपने भैया के साथ आर्या की शादी करवाएगी, तो एक काम कर, तू बल्कि भैया को बुला। हाँ, भैया को बुला और बोल भाभी से कहने कि आशीर्वाद का असली सोने का गहना वो हमारी आर्या को पहना दे। फिर मैं भी देखूंगी कि बड़ी भाभी सच में वो गहना आर्या को पहनाती हैं या नहीं। तब मैं समझूंगी कि बड़ी भाभी क्या है। पहना देगी। जाओ अनुराधा, तुम्हारी शादी के दिन विंध्यवासिनी देवी ने जो हमारा खानदानी हार तुम्हारे गले में पहनाया था, उसी हार को आज तुम हमारी बहू आर्या को पहना दो। ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? वो अभी इस घर की बहू नहीं बनी, उसकी शादी नहीं हुई संगीत के साथ। इस घर की बहू के अलावा वो हार कोई नहीं पहन सकता। ये वंश परंपरा है, इस घर का नियम है, प्रथा है। नियम मैंने तोड़ दिया है। और प्रथा भी तोड़ूंगा। नियम तो एक दिन तुमने भी तोड़ा था, याद है? तुमने एक दिन जमुना को परमिशन दी थी ढोल बजाने के लिए। ना तुम परमिशन देती, फिर ना ही हमारे परिवार में ऐसी घटना घटती।
इस बार पूजा में तू ही ढोल बजाएगी। गंगा, मैं नहीं जा सकती। तुमने अपने हाथों से ही घर में विष वृक्ष लगा दिया था, उसके फल तो तुम ही खाओगी ना। जाओ, उस हार को पहना दो आर्या को। मुझसे नहीं होगा, मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। वो मेरी संपत्ति है, अभी तक वो मेरे पास ही है और वो मेरे पास ही रहेगी, समझे आप? जिस दिन संगीत की बीवी इस घर में आएगी, जिसके भी साथ उसकी शादी होगी, मैं अपने हाथों से वो हार उसको पहना दूंगी। ये मेरा वादा रहा आप सबसे, ये अनुराधा राय का वादा है। देखा ना आर्या, गहना तुम्हें नहीं दिया। गहना ही नहीं दिया मतलब, एक गहना तुम्हें नहीं दिया तो घर तुम्हें कैसे सौंपेंगी बताओ? इसीलिए कह रही हूँ, सोच समझ के शादी करना, वरना बाद में तुम मत बोलना कि बड़ी बुआ ने तुम्हें कुछ बताया नहीं। वो गहना तुम्हें नहीं देंगी बड़ी भाभी। मेरे पापा ने जब कह दिया कि ये गहने वो पहनेगी तो वही पहनेगी। गीत, पापा, मैं आपका सर किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी। आर्या, ये लो, ये गहने मैंने तुम्हें सौंपे। मैं तुमसे वादा करती हूं कि मेरी माँ शादी के मंडप पर यही गहने अपने हाथों से पहनाएगी। और जमुना, जमुना को तो मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखने दूंगी। उसका नाम मैं इस घर से मिटा दूंगी। पापा, चलो चलो। आर्या, अरे बाप रे बाप, तुम तो बहुत शातिर लड़की हो, हैं? आखिर उनसे तुमने ये गहना ले ही लिया। इस गहने पर ना मेरी बहुत दिनों से नजर थी। घर की बेटी हूं ना, अगर बहू होती तो चलो, अगले जन्म में अगर घर की बहू हो पाई तो फिर छोड़ो। अच्छा, देखती हूँ ये गहना तुम पर कितना अच्छा जचता है, दिखाओ। मेरी बेटी ने तुम्हें गहने दिए हैं आर्या, इसलिए तुमसे गहना छीन कर मैं अपनी बेटी को तकलीफ नहीं दूंगी। लेकिन मेरी एक बात सुनो, जब तक तुम इस घर की बहू नहीं बनती, जब तक संगीत से तुम्हारी शादी नहीं होती, ये गहना तुम तब तक नहीं पहनोगी। राय परिवार की बहू होने के लिए उनके गहनों का वजन संभालने की शक्ति होनी चाहिए।
और फेंकेंगे फेंकेंगे और देंगे। गंगा ढोली का घर आज खाली कर देंगे। गंगा ढोली के घर में आज तांडव करेंगे। आज गंगा का घर हड़प लेंगे, उसके घर पे कब्जा होगा। निकाल फेंकेंगे उसे, निकाल फेंकेंगे। गंगा के घर पे तांडव करेंगे। फेंक देंगे उसे, फेंक देंगे। गंगा के घर पे तांडव करके रहेंगे। बाबा दीदी गजा, किसी का कुछ पता नहीं है माँ। क्या हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अभी तक नहीं आए। फोन किया था, फोन किया था, लेकिन फोन ही नहीं लग रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। हमारी किस्मत में क्या लिखा है क्या मालूम, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। फेंक देंगे उसे, फेंक देंगे। गंगा के घर पे तांडव करके रहेंगे। माँ आपने आवाज सुनी, ढोल की आवाज। ये क्या बोल रहे हैं? गंगा ढोली का घर हड़प लेंगे आज। क्या क्या कहा? क्या गाया ना, इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ गाया। कहा बेटी को दे दो, सालों से अकेला हूँ, मन में तड़प है, एक और शादी हो जाए। अरे बाबा, इस गांव में मुझसे अच्छा दामाद और कहां मिलेगा? हाँ, सुनी नहीं ना मेरी बात। पैसे दो शिवली। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हम पैसे चुका देंगे, थोड़ा समय दे दीजिए। मैं तुम्हें इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता हूँ। हाथ जोड़ रही हूँ, थोड़ा समय दीजिए ना। ये क्या हो रहा है? अरे तू हाथ क्यों जोड़ रही है? तुझे तो मेरी बाहों में आना चाहिए ना। ए बुड्ढे, दूर रह वरना तेरा हाथ काट दूंगी मैं। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। हिम्मत तो बहुत बढ़ गई है ना तेरी। ए काली, स्टाम्प और कागज दे इसको। इस पर अंगूठा लगा अपना। ए, अपना अंगूठा लगा दे, इस घर पे हमारा कब्जा होगा। मैं कहीं अंगूठा नहीं लगाऊंगी। तू ही तो लगाएगी, तेरे ही नाम पे तो जमीन है और इस जमीन पर मैं कब्जा करूंगा। डर मत, मैं गांव में सबको बता कर आया हूँ और हाँ, थाने में भी बता कर आया हूँ। पूरी तैयारी के साथ आया हूँ मैं यहाँ। अंगूठा लगा यहाँ, बोल रहा हूँ, चुपचाप यहाँ अंगूठा लगा। हमें थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, थोड़ा समय दे दीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना कि अंगूठा लगा दे। विनती करती हूँ, थोड़ा समय दीजिए ना। शिवली, लगा दे अंगूठा, लगा दे, लगा दे, यहाँ लगा, नहीं लगाऊंगी, लगा। गजा,
दोगे आपको। जमुना को सबने निकाल दिया। हाय तौबा, निकालेंगे नहीं क्या? हम सब यहाँ काम करते हैं, इस घर के नौकर और वो ढोली की बेटी। वैसे संगीत भैया को भी मानना पड़ेगा, उनका दिमाग खराब हो गया है, वरना एक ढोली की बेटी से भी कोई शादी करता है क्या? हा? एक बात है कि उसकी किस्मत अच्छी है, नहीं तो जिंदा नहीं लौट पाती। चुप कर, मरे उसके दुश्मन। संगीत गया, संगीत गया है उसको हिलाने, जरूर लेकर आएगा वो, जरूर जरूर लौट आएगी, देखना। और लौटने के बाद मैं सारे गहने और साड़ी। साड़ी और गहने कहाँ गए? ये क्या, यही तो थे, कहाँ गए? हाँ, ये सब गए कहाँ? साड़ी, कमरबंद था, कंगन, ये सब कहाँ गए? ए, देख तो अच्छा है, अलमारी में देख, साड़ी गहने हैं या नहीं? कौन से साड़ी गहने? वो जो लाल साड़ी थी, कमरबंद और हाथों के कंगन, कानों के, देख देख देख, अच्छा, अच्छा, जल्दी अच्छा, देख वहाँ। नहीं दादी, कुछ भी तो नहीं है। ये क्या, बड़ी बहू, बड़ी बहू, रागे नहीं फाड़ दिया तूने, कागज फाड़ दिया। कितने कागज फाड़े जी? पहले हमारे पास आकर पैसा उधार लेती है, फिर सीना जोरी करती है। पैसे वापस कर वरना मैं पूरे गांव में सबको बता दूंगा। सबको बताने के लिए काली को अपने साथ लेकर आया हूं मैं, ढोल बजाने के लिए। ढोल बजाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा और बोलूंगा कि तुम लोग दिवालिया हो गए हो, तुम्हारा सब कुछ हड़प लूंगा और तेरी बहन से शादी करके उसे अपने घर में रख लूंगा और तेरी माँ को घर में नौकरानी बनाकर रखूंगा और तुझको बस! चाचा, ढोल बजाकर गंगा ढोली और उसके परिवार को तुम बेइज्जत नहीं कर सकते, समझे? क्योंकि उनकी एक बेटी है, जमुना ढोली। और तुम क्या सबको बताओगे? तुम्हारी इज्जत का हुलिया बदलकर मैं ढोल बजाऊंगी। और एक बात, जमुना जो वादा करती है तो उस वादे को वो पूरा करना भी जानती है। ये लो तुम्हारे 14,000 रुपए, सूद समेत तुम्हें वापस किए। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ है? ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? हाँ, वो मेरा कमरबंद, कंगन और कानों के, साड़ी, ये सब कहाँ गए? क्यों? क्या करेंगी? ये सब लेकर स्वर्ग जाएंगी? तुम तमीज से बात करोगी? ये सब कहाँ है? बताओ, बताओ ये सब कहाँ है? मैं नहीं जानती। नहीं जानती मतलब? सब कुछ तो यही था, फिर कहाँ गया? अरे बाप रे, माँ क्या
अपनी बेटी को चोर ठहरा रही हैं? बिना बताए लेने को चोरी ही कहते हैं। माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? आपकी नातिन और मैंने बिना बताए सामान लिया तो हम चोर हैं? गहने कहाँ हैं? कहाँ हैं गहने? माँ, माँ। हाँ। पापा का फोन आया है, चलो। रुको। ये तूने मेरे गहने क्यों पहने हैं? ये तो मैंने जमुना को दिए थे, तूने क्यों पहने? अच्छा किया है। ए, दे, गहने दे मुझे। वो गहने नहीं देगी माँ, नहीं देगी। ये आपकी नातिन है और इन गहनों पर इसका हक है। इतनी दौलत लेकर क्या करेंगी आप? क्यों इतना लालच है आपको? इतना मोह मत रखो माँ। बिल्कुल सही कहा है, इतना मोह मत कीजिए और इतना जमुना जमुना भी मत कीजिए। ये सब बातें बाद में करना। ए, दे, दे, दे गहने मुझे। नहीं, दे क्या मुझे? कर रही हूँ माँ, मैं आपको सावधान कर रही हूँ। अगर आज आपने मेरी बेटी से गहने ले लिए ना, फिर मैं घर में महाभारत कर दूंगी। आप मुझे नहीं जानती माँ। तुझे क्या मैं नहीं जानती? तुम सब अपने बाप पर गए हो। अरे बाप रे, पोती ने गहने क्या पहन लिए? नानी उससे छीन कर ले रही है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। माँ, ये आप सही नहीं कर रही हैं। कौन सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है, ये कौन तय करेगा भाभी? ये लो आ गई, हर बात में घुसने वाली। आपका आना ही बाकी था, आइए। आऊंगी तो जरूर, क्योंकि आप इस घर की बहू हो, वो तो मैं समझती हूँ। लेकिन दीदी, आप तो इस घर की बेटी हैं। आपने बिना बताए ये गहने अपनी बेटी को पहना दिए। अभी माँ वो गहने मांग रही है, तो आप माँ के साथ इस तरह से बातें करेंगी? सही किया है, बिल्कुल सही किया है मैंने, क्योंकि ये गहने मेरी बेटी ही पहनेगी, ये उसका हक है, अधिकार है। नहीं, ये गहने माँ ने जमुना को दिए थे, उसके लिए ही रखे थे। जमुना अब नहीं लौटेगी, नहीं लौटेगी, समझ गई तू? समझ गई ना? नहीं लौटेगी। क्या करूँ अब, क्या करूँ बता? गहने सारे गंगा में बहा दूँ? बहा दूँ? हर बात पर तुम इतना इंटरफेयर क्यों करती हो? पति को लेकर आई हो, तीनों टाइम खाना खाओ, लक्ष्मी पूजा के बाद घर चली जाओ। हमारे फैमिली मैटर में इतना इंटरफेयर मत करो और इतनी जुबान लड़ाकर बात मत करो। छोटी बहू रानी, तमीज से बात करो, आजकल तुम्हारा बर्ताव बहुत खराब हो गया है। बड़ी बहू रानी, बड़ी बहू रानी, ये मुझे बिना बताए मेरे कमरे से साड़ी ले गए, गहने ले गए। अब देखा तो वो गहने पहन के मेरी पोती घूम रही है। ये सब तो जमुना का है। बोलो तुम कुछ नहीं कहोगी? सूत समेत, ये तो सिर्फ असल है, सूत कहाँ है? 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए होते हैं। दे और 1400 रुपए दे। वरना तुझे सारे गांव वालों के सामने ले जाकर आज तेरी क्या हालत करता हूँ तू देख। मुंह पे लात, बुढ़े सियार, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं। जमुना, तू ये क्या बोल रही है? जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। सियार नहीं, तुम सियार से भी बहुत जंगली जानवर हो। जमुना, मैं तेरे बाप जैसा हूँ। बाप जैसे तो हो, बाप जैसे होकर भी बहन पर बुरी नजर डाली है और हाथ भी बढ़ा रहे हो। हाँ, रांझना, जिनका सामान है उनको लौटा दो। ब, ब,
बड़ी मामी मैं मैंने जो कहा वो कर, जिनका सामान है उन्हें लौटा दे। ऐसे बिना बताए कुछ भी ले मत रागिनी, घर में तो कोई भी कमी नहीं है, तुम सबको तो भरपूर दिया है। जा तू जा। क्या हुआ, जा। नहीं मैं समझ नहीं रही बड़ी भाभी, अगर ये गहना पहनती है। मैंने जो बोला वो कर, फोन आया है, तेरे पति ने फोन किया है, कमरे में जा। गहने उतार के दे दे। लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो कर, चिंता मत कर, बूढ़ी और कब तक रहेगी। तब तेरे हिस्से में ही सब आएगा। सुना, मेरी बेटी ने क्या कहा मुझे, इस लड़की को मैंने कोख में पाला था। माँ, माँ शांत हो जाइए। हाँ, आप भी अभागी और आपकी बेटी भी अभागी, जिसने जिंदा रहते हुए देखा उसकी बेटी से गहने छीन लिए गए। चलिए माँ, चलिए। ये क्या माँ, खाना ढक के रखा है, आपने खाया नहीं? नहीं, तबीयत सही नहीं लग रही। ये क्या, तबीयत खराब है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम सबको समय कहाँ है बड़ी बहुरानी, एक कोने में पड़ी रहती है ये बुढ़िया, हमारी खबर कौन लेता है। अलग ही तो कर दिया है परिवार से। छाया, छाया जा, माँ का ये खाना लेकर जा, कुछ नया बना कर लेके आ। मैं नहीं खाऊंगी बहुरानी। छाया जो बोला कर, जा लेकर जा। अच्छा। गामिनी। हाँ बड़ी भाभी। मैं चलती हूँ, छाया खाना लेकर आएगी, माँ को खिला देना, ठीक है? संगीत की कुछ खबर मिली बहुरानी? नहीं माँ, कोई खबर नहीं मिली। मुझे विश्वास है मेरा पोता प्यार करना जानता है, वो जरूर जमुना को लेकर आएगा, देख लेना, वो जमुना को वापस जरूर लाएगा, जरूर लेकर आएगा। क्या कर रही है तू, हाँ? ए जमुना,